हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। 8 सितंबर 2019 की प्रीलिम्स अपडेट सीरीज में आपका स्वागत है। तो चलते हैं आज की हमारी न्यूज़ की तरफ। आज जो हमारी पहली न्यूज़ आई है वो आई है मिड मॉनसून 2019 लाइटनिंग रिपोर्ट को लेके। क्या है ये रिपोर्ट वो हम देखते हैं। देखो, जो ये मिड मॉनसून 2019 लाइटनिंग रिपोर्ट है, ये बेसिकली हमारे देश में जो लाइटनिंग स्ट्राइक्स, यानी कि लाइटनिंग स्ट्राइक का मतलब होता है जो बिजली गिरती है ना बारिश के मौसम में, जिससे काफ़ी लोगों की जानें चली जाती हैं। तो उस घटना की वजह से हमारे देश में कितने इंसिडेंट हुए हैं, कितने लोगों के जान माल का नुकसान हुआ है, उसको लेके रिपोर्ट जारी की जाती है। ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है वो इम्पोर्टेंट है। जो ये मिड मानसून 2019 लाइटनिंग रिपोर्ट है, यह जारी की जाती है क्लाइमेट रिसाइलेंट ऑब्जर्विंग सिस्टम प्रमोशन काउंसिल, CROPC, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि मेनली इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। जैसा मैंने आपसे कल क्वेश्चन पूछा था कि इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, यह आता है अर्थ एंड साइंस, जो मिनिस्ट्री है उसके अंतर्गत यह काम है वो करता है। तो इस डिपार्टमेंट के साथ ये काम करता है काउंसिल, और इसके द्वारा लाइटनिंग रिपोर्ट है वो जारी की जाती है। हमारे देश में इस बार अप्रैल से लेके जुलाई के बीच में जो बारिश हुई है, तो इसके तहत लगभग 1311 लोगों की जाने गई हैं। किसकी वजह से? जो बिजली गिरती है उसकी वजह से। तो ये आपको कुछ फैक्ट है वो ध्यान में रखना है, इस रिपोर्ट के बारे में यूपीएससी पूछ सकती है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो आया है चेन्नई टू व्लादिवोस्तोक सी रूट को लेके। देखो, अभी आपको पता होगा कंटेक्स्ट ये था कि भारत के प्रधानमंत्री हैं वो 5वीं ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम, जो कि रशिया के प्रधानमंत्री थे व्लादिमीर पुतिन, उनके द्वारा आयोजित की गई थी व्लादिवोस्तोक में। वहां गए थे उन्होंने, वहां पे अटेंड है वो, मतलब जो कॉन्फ्रेंस को आप बोल सकते हो, इस इकोनॉमिक फोरम को उन्होंने एक तरीके से अटेंड है वो किया था। यह आया था कंटेस्ट। इसके तहत भारत और रशिया के बीच में रिलेशन है उनको काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करने की बात की गई। रशिया काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट भी इंडिया में करेगा, तो खैर वो हम आगे देखेंगे, बट पहले थोड़ा हम इसकी तरफ चलते हैं, सी रूट की बात के हैं। तो पहले मैप देख लेते हैं। देखो, अभी करंट का सिनेरियो क्या है, अगर हमें इंडिया से कोई भी माल है सी रूट के थ्रू रशिया भेजना है, तो अभी हमारे पास जो एक मेथड है वो ये है, स्वेज कैनाल वाला, जो कि आपको दिख रहा है मेनली यहाँ का जो बॉम्बे पोर्ट है, कांडे वाला पोर्ट है, मेनली बॉम्बे वाला पोर्ट आप बोल सकते हो। इसके थ्रू सामान होते हुए यहाँ पे स्वेज कैनाल के होते हुए, फिर यहाँ पे जिब्राल्टर से होते हुए, फिर यहाँ पे नॉर्थ चैनल वाले रास्ते से होते हुए यहाँ से जाके, और इस रास्ते पे आप बोल सकते हो एक तरीके से, मतलब जो सेंट पीटर्सबर्ग पोर्ट है रशिया का, इस वाले हिस्से में यूरोप में, वहाँ तक हम सामान की सप्लाई करते हैं। अब देखो है क्या कि आप देख सकते हो कि रूट काफ़ी लंबा है, तो मतलब इसमें लगभग महीने भर से ज़्यादा टाइम लगता है सामान को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, तो काफ़ी सारी एनर्जी भी लॉस हो जाती है और सामान काफ़ी महंगा पहुँचता है। और ऐसे ही रशिया अगर सामान बेचता है तो इतना घूम फिर के वो सामान यहाँ पर पहुँच पाता है। तो अभी जो रशिया की एक सिटी है जिसका नाम है व्लादिवोस्तोक, वो है यहाँ पर आप देख रहे हो इस वाले हिस्से पर, मतलब हम बात करें तो रशिया के जो ईस्टर्न हिस्सा है इस वाले पे है ये व्लादिवोस्तोक पोर्ट। एक पोर्ट है वैसे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्ट है रशिया का इस वाले हिस्से के लिए। अब देखो, ये पोर्ट है ना वैसे भी इंडिया के लिए इंपॉर्टेंस रखता है, क्यों? क्योंकि ये काफ़ी छोटा रास्ता आप देख सकते हो, चेन्नई को अगर कनेक्ट करोगे तो यहाँ से डायरेक्टली मलक्का स्ट्रेट से होते हुए, काफ़ी साउथ चाइना सी से होते हुए, फिर यहाँ पे आप देख सकते हो इस रूट से हम कनेक्ट है वो हो सकते हैं, तो काफ़ी छोटा रूट है वो हो जाता है। तो अभी इसको प्रपोजल में लगा गया कि भाई इसको एक्टिव किया जाए और इसके थ्रू सामान वगैरह को मतलब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट किया जाए, जिससे इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं दोनों के सर्व हैं वो हो सकें। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कौन से रूट की बात यहाँ पे की जा रही है, कैसे कैसे रूट है वो जाएगा। अब आप देखिए, जो साउथ से ईस्ट की कंट्रीज़ हैं, मेनली ये आसियान कंट्रीज़ की हम बात कर लो, सारी ये कंट्री यहीं पर ही हैं सारी। इंडिया के रिलेशन नॉर्मली साउथ इन एशियन या आसियान कंट्री के साथ अच्छे खासे हैं, और वियतनाम के साथ तो इंडिया के रिलेशन और भी अच्छे हैं, फिलीपींस वगैरह के साथ भी। और इंडिया है वो ऑलरेडी फिलीपींस के साथ काफ़ी सारी एक्सरसाइज करता है आसियान कंट्रीज़ के साथ, तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर इस रूट से सामान जाएगा तो इन वाले कंट्रीज़ के जो पोर्ट हैं वहाँ पर भी हमारी प्रेजेंस है वो बढ़ेगी, और इसी के साथ ही साउथ चाइना वाले सी में हिस्से में जो चाइना के लिए मनमर्जी करता है वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली अगर इंडिया के शिप भी यहाँ पे जाएंगे तो इंडिया की यहाँ पे गश्ती वगैरह रहेगी, तो काफ़ी ज़्यादा इंडिया को भी बेनिफिट है वो होने वाला है। तो एक तरीके से इंडिया का भी वर्चस्व इस वाले एरिए में, या बोल सकते हो कि जो ये पैसिफिक वाला हिस्सा हो गया है, इंडो पैसिफिक वाला, इसमें इंडिया की प्रेजेंस है वो बढ़ेगी, तो काफ़ी सारे बेनिफिट इसको देखने के हमें मिलेंगे। अब हम चलते हैं आर्टिकल की तरफ। देखो, एक मेमोरेंडम ऑफ इंटरेस्ट है, इंटेंट है, जो कि बेसिकली भी साइन हुआ है किसके बीच में, इंडिया और रशिया के बीच में। मैंने आपको बता दिया कि रशिया के जो ईस्टर्न पोर्ट है जो कि व्लादिवोस्तोक सिटी का है वो, और इसी के साथ ही इंडिया का ईस्टर्न पोर्ट चेन्नई है, उसको आपस में कनेक्ट किया जाएगा। नॉर्मली देखो, जो ये रूट है जो मैंने आपको बताया कि चेन्नई से व्लादिवोस्तोक वाला, इसमें लगभग सामान 24 दिन में पहुंच जाएगा आराम से,
जबकि वहीं पे तो दूसरा रूट था काफी लंबा, हमने देखा था ये वाला रूट, इसमें सामान पहुंचता है लगभग, वो पहुंचता है 40 दिन के आसपास, तो मतलब काफी ज्यादा टाइम हो जाता है वेस्ट। इसी के साथ ही इंडिया, रसिया और वियतनाम के ट्राइलेटरल जो कोऑपरेशन रिलेशंस हैं वो भी स्ट्रॉन्ग होंगे, क्योंकि इंडिया, रसिया और वियतनाम तीनों आपस में मिलकर काफ़ी सारी एक्सरसाइज करते हैं, और इंडिया की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट भी है वियतनाम में, और इवन वियतनाम भी इंडिया के साथ कोऑपरेट है, वो करता है। इसी के साथ ही रसिया की अगर हम बात करें तो ईस्टर्न एशिया का सबसे बड़ा पोर्ट है व्लादिवोस्क सी पोर्ट, जो कि रसिया के लिए भी इंपॉर्टेंट है और हमारे लिए भी। अब जो रसिया का ये जो पोर्ट है व्लादिवोस्क, यहाँ से एक तो सबसे बड़ा मेजर काम है वो होता है ऑटोमोबाइल सेक्टर का। क्यों? क्योंकि देखो साउथ, इसके एक बार आप यहाँ पे लोकेशन देखें, ये जो ही वाला व्लादिवोस्क पोर्ट है ना, इस वाले हिस्से में इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है, चाहे आप यहाँ पे जापान की बात कर लो, चाहे यहाँ पे साउथ कोरिया की बात कर लो, चाहे चाइना की, मतलब इस वाले हिस्से में क्या है, ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये ऑटोमोबाइल सेक्टर का एक तरीके से हब के तौर पर काम करता है ये पोर्ट, तो इसीलिए इसका बहुत बड़ा फायदा है वो होने वाला है। इसी के साथ ही हम बात करें तो जो इंडिया है वो इंडिया के अंदर रसिया वो न्यूक्लियर पावर प्लांट भी बना रहा है, जो आपको पता होगा कुडनकुलन में, जो कि तमिलनाडु में है। इसी के साथ ही अगर और हम बात करें तो इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा, और साउथ चाइना सी में भी इंडिया की वैल्यू है वो बढ़ेगी। तो ये सारे कुछ जो पॉइंट थे वो हमने यहाँ पे कवर किए हैं। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है सेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी वर्टिकल को, CTV। न्यूज़ क्या है? देखो न्यूज़ ये आई है कि अभी सेंटर है वो प्लान कर रहा है CTV को स्थापित करने के लिए, जो कि आएगा मेनली CBI या हम बात करें सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत। है क्या है, क्यों यह बनाए जा रहे हैं? देखो आपको पता है कि काफ़ी सारे इंडिया में क्राइम होते हैं, और आज के टाइम पे डिजिटल इंडिया का युग है, तो ऑब्वियसली सारे जो मैक्सिमम क्राइम है वो सोशल मीडिया इनके थ्रू होते हैं, तो इस वाले एरिया पे रेगुलेशन बहुत ज़रूरी है। कोई भी अगर इन्वेस्टिगेशन करनी हो, इन्फॉर्मेशन शेयर करनी हो, तो उसके लिए एक सिस्टम की ज़रूरत होती है हमें, ताकि एक सेंट्रलाइज सिस्टम हो गवर्नमेंट के पास, वहाँ से कोई भी तरह की इन्फॉर्मेशन हो, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू हो, या चाहे मॉब लिंचिंग की हो, या फिर कोई और भी फेक वीडियो का क्राइम हो, कैसे भी कुछ ऐसे रिलेटेड क्राइम हो, उसकी इन्फॉर्मेशन इस पोर्टल पर, इस आप बोल सकते हो कि सेंट्रलाइज सिस्टम में डाल दी जाएगी, ताकि वो देश के हर कोने में जो भी इंटेलिजेंस एजेंसी हैं वहाँ तक पहुँच जाएँ, ताकि उसको काउंट है वो किया जा सके। इसके लिए CTV यानी कि सेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी वर्टिकल एक रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग सिस्टम है वो बनाया जा रहा है, जो कि जो हमारे देश की इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं उनके साथ मिलकर काम करेगा। ज़रूरत क्यों है? क्योंकि देखो इंडिया है वो एक सेकेंड लार्जेस्ट यूजर है इंटरनेट का, ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर हम बात करें, इंडिया में सेकेंड नंबर पर आते हैं इंटरनेट यूजर के लोग, जो कि एक तरीके से साइबर मैनिपुलेटर के तौर पर भी काम करते हैं। देखो अगर इंटरनेट बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है तो उससे ऑब्वियसली साइबर क्राइम्स भी हो सकते हैं, साइबर अटैक भी बढ़ेंगे, तो ऐसे माहौल में उनको रेगुलेट करना जरूरी हो जाता है। इसी के साथ ही कंट्री में फेक वीडियो सोशल मीडिया के अंदर भी काफ़ी बार आप देख सकते हो कि मतलब भ्रांति फैल जाती है, कोई वीडियो वायरल हो जाता है, न्यूज़ वायरल हो जाती है, गलत होती है जो जब भी, तो इन चीज़ों को रोकने के लिए ये सिस्टम है वो काम करने वाला है। देखो CBI है वो आपको बताया कि दिल्ली पुलिस स्पेशल जो एक्ट था इसके तहत बनाई गई थी। आप ये बताओ कि CBI है वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, कौन सी मिनिस्ट्री है जो कि CBI को रेगुलेट है वो करती है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है ईट राइट मूवमेंट को लेके। देखो जो ईट राइट मूवमेंट है वो बेसिकली फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि FSSAI के द्वारा जारी है, ये स्टार्ट है, कैंपेन किया गया है। इसका नाम से ही पता चल रहा है कि हमारे देश के जो लोग हैं इनको अच्छा खाना खाने के लिए प्रेरित करने के लिए, यानी जो हेल्दी डाइट है वो खाएं, सही डायरेक्शन में मात्रा में खाएं, इन सबको प्रमोट करने के लिए मूवमेंट या एक कैंपेन है वो स्टार्ट किया गया है। मेनली जो ईट राइट मूवमेंट है इसका फोकस रहेगा 3 चीज़ों पर, एक तो रहेगा सॉल्ट, एक रहेगा ऑयल कंजप्शन, शुगर और ऑयल कंजप्शन, मेनली आप बोल सकते हो दो भी बोल सकते हो या तीन भी, यानी कि नमक, शुगर और जो ऑयल कंजप्शन है इनको कम करने का पूरा फोकस रहेगा। देखो गवर्नमेंट का प्लान ये है कि आगे आने वाले 3 सालों में सॉल्ट, शुगर और ऑयल का जो कंजप्शन है वो 30% तक कम कर दिया जाए, क्योंकि ये हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छे नहीं होते, इनको लिमिटेड मात्रा में यूज है वो करना चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ों पर मेनली फोकस है वो यहाँ पर किया गया है। और इसी के साथ ही हमारे देश के अंदर जो और बाकी यूथ हैं उनको हेल्थ के बारे में अवेयर करवाने के लिए राइट फूड चॉइस भी उनको बताई जाएंगी, किस तरीके से उनको अच्छा खाना मिल सकता है, क्या क्या उनको चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कैसा खाना खाना चाहिए, ये सारी चीज़ें उनको बताई जाएंगी, ताकि वो अपने डेली लाइफ में इनको इम्प्लीमेंट कर सकें और एक अच्छी डाइट है वो खा सकें। इससे देखो फायदे होगा, एक तो पोषण अभियान में हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी, इसी के साथ ही गवर्नमेंट का प्लान है कि एनीमिया मुक्त भारत बनाया जाए, तो उसमें भी काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिलेगा।
आयुष्मान भारत योजना में भी अच्छा फायदा मिलेगा, क्योंकि लोग कम बीमार होंगे तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कम होगा। इसी के साथ ही स्वच्छ भारत मिशन में भी कॉन्ट्रीब्यूशन है वो इस चीज़ का रहेगा, तो ये कैंपेन बहुत इंपॉर्टेंट है वो हो जाता है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वह हेपेटाइटिस बी को लेके। देखो हेपेटाइटिस बी है वो इंडिया ने यूनिवर्सल इम्यूनेशन प्रोग्राम में इंक्लूड कर दिया था 2002 में। हेपेटाइटिस बी है वो वायरस की वजह से होता है, वायरस का नाम भी हेपेटाइटिस बी ही होता है। और हेपेटाइटिस बी में होता क्या है, मेनली जो लीवर होता है ना ये उसको इफेक्ट करता है। अब देखो हमारी बॉडी का सबसे अहम पार्ट है वो लीवर ही होता है, क्योंकि जो एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है हमारी बॉडी में वो लीवर ही प्रोड्यूस करता है। अब देखिए अगर लीवर ही ढंग से काम नहीं करेगा इसका मतलब पूरी बॉडी का क्या मतलब, यानी कि लीवर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। और इसीलिए हेपेटाइटिस बी में वो शरीर को रिकवर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि कोई भी मेडिसिन आप कुछ भी लोगे वो पहले लीवर में तो जाएगी ना पेट के थ्रू, अगर लीवर सही ढंग से काम नहीं कर पाएगा तो वो मेडिसिन शरीर में पहुँच ही नहीं पाएगी। इसीलिए काफ़ी गंभीर बीमारियाँ भी हो जाती हैं और उनके बाद तो रोगी की जान भी चली जाती है। इसमें क्या होता है, लीवर में वैसी सूजन है नॉर्मली वो आ जाता है। ये तो मैंने आपको कुछ फैक्ट यहाँ पे बता दिया। इसी के साथ ही हेपेटाइटिस वैसे तीन टाइप का होता है, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। देखो ए और बी जो टाइप का हेपेटाइटिस है ना, इसमें तो कहें कि इसके वैक्सीनेशन या इसका आप उत्सुक तो कोई ट्रीटमेंट है वो मार्केट में अवेलेबल है, जबकि हेपेटाइटिस सी का अभी तक कोई भी वैक्सीन ऐसा डेवलप नहीं किया गया है जो कि इसको कंट्रोल कर सके। तो एक तो ये आप फैक्ट है सॉरी वो ध्यान में रखना। अभी न्यूज़ ये आई है कि 3 सितंबर को WHO की साउथ ईस्ट एशिया रीजन की एक मीटिंग हुई थी, और उस मीटिंग में ये कंक्लूजन निकला कि बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और थाईलैंड हैं वो बेसिकली साउथ ईस्ट एशिया रीजन की मतलब चार ऐसी कंट्री बनी है पहली जिन्होंने कम्प्लीट तरीके से आप बोल सकते हो कि हेपेटाइटिस बी को कंट्रोल है वो कर लिया है। अब कंट्रोल करने का मतलब क्या है, क्या क्राइटेरिया है वो हम देखते हैं। देखो कंट्रोल करने का एक तरीके से आप बोल सकते हो कि मेथड ये है कि जब हेपेटाइटिस बी के जो आप बोल सकते हो पेशेंट हैं वो मतलब हर 5 साल तक के बच्चों पे काउंट किए जाते हैं मेनली, क्योंकि जो हेपेटाइटिस बी है वो बच्चों को ज़्यादा इफेक्ट है वो करता है, इसलिए बच्चों में इसका वैक्सीनेशन या टीका प्रोग्राम है वो चलाया जाता है। तो जो 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं ना उसमें अगर इसकी मात्रा हेपेटाइटिस बी की 1% से भी कम है, मतलब 100 में से अगर एक बच्चे से या एक बच्चे से कम को किसी को हेपेटाइटिस बी हो रहा है, इसका मतलब उसको कंट्रोल है वो कर लिया गया है। तो ये इसका क्राइटेरिया होता है, आपको ध्यान में रखना है कि भाई किस क्राइटेरिया पे कहा जाता है कि हेपेटाइटिस वो कंट्रोल हो चुका है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है यहाँ पे वो आया है इंडिया थाईलैंड कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल को लेके, यानी इंडो थाई कॉर्पोरेट को लेके। क्या है इंडो थाई कॉर्पोरेट? अभी 28वां जो एडिशन है इंडिया थाईलैंड कोऑर्डिनेट पेट्रोल को लेके, यानी कि इंडो थाई कॉर्पोरेट को लेके वो आयोजित है, वो किया गया है किस किसके द्वारा, इंडियन नेवी और रॉयल थाईलैंड नेवी के द्वारा। मोटो क्या है? देखो इसका मेन मोटो ये है, एक तो समुद्र या बोल सकते हो कि ओशन के अंदर शांति स्थापित पीस है उसको प्रमोट किया जा सके, या फिर जो यूनाइटेड नेशन कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑन सी जिसे हम UNCLS वो बोलते हैं ना, वो जो कि मतलब सी को लेके गाइडलाइंस वगैरह जारी करते हैं किस तरीके से रेगुलेट करना है ट्रेड वगैरह को, उन सब चीज़ों को, सी जो भी शिपिंग वगैरह होती है उन सब के लिए, इसके जो भी गाइडलाइंस हैं या जो रेगुलेशन है जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज का कंजर्वेशन हो, या फिर हम बात करें कि मरीन इन्वायरमेंट का कंजर्वेशन की बात हो, या फिर जो इलीगल ट्रेड वगैरह होता है इसको रोकना हो, या फिर यहाँ पे जो अनरेगुलेटेड फिशिंग होती है, ड्रग ट्रैफिकिंग होती है, पायरेसी होती है, इन सबको रोकना हो, या फिर कोई भी जो रियल टाइम शिप की इन्फॉर्मेशन शेयर करनी हो किस तरीके से स्मगलिंग है इसको रोकना है, इलीगल इमिग्रेशन होता है शिप के थ्रू उसको कैसे रोकना है, कैसे रिसर्च प्रोग्राम चलाने हैं, ऑपरेशन कैसे चलाने हैं सी में, रेस्क्यू वगैरह में, इन सब को लेके जो भी गाइडलाइंस हैं उनको फुलफिल करने के लिए या फिर ऐसे प्रोग्राम्स को अंजाम देने के लिए यह एक्सरसाइज है वो कंडक्ट है वो की जाती है। नेक्स्ट जो आर्टिकल वह है ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटेंस इंडेक्स सॉरी कॉम्पिटेंस रिपोर्ट 2019 को लेके। क्या है यह रिपोर्ट वो देखते हैं। देखो ये रिपोर्ट इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF के द्वारा जारी की जाती है। इसमें लगभग 140 कंट्रीज को इकोनॉमीज को काउंट है वो किया जाता है। यह इंडेक्स ये बताता है कि कौन सी कंट्री है वो ट्रेवलिंग और टूरिज्म के नज़रिए से अच्छी है, मतलब वहाँ पे टूरिज्म काफ़ी अच्छा है, खतरा वगैरह आप इतने से कम बोल सकते हो, या वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट वगैरह लोग जाना प्रेफर है वो करते हैं, कि कहाँ पे कंपटीशन कितना है, मतलब ज़्यादा लोग जाएंगे तो ऑब्वियसली कंपटीशन अच्छा खासा है ना, इसी के आधार पर जारी किया जाता है। इंडिया की इस बार रैंकिंग है वो आई है 34। 2017 में इंडिया की रैंकिंग थी वो थी लगभग 28 के आसपास,
सॉरी 2017 में थी इंडिया की रैंकिंग 40 और अब आ गई है 34। देखो बेसिकली है जो इंडेक्स है उसके चार इंडिकेटर होते हैं, इन्वायरमेंट के आधार पे, इसी के साथ ही ट्रेवल एंड टूरिज्म पॉलिसी कैसी है वहाँ की इनेबलिंग कंडीशन कैसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है और वहाँ पे नेचर और कल्चर की रैंकिंग कैसी है उस स्टेट की या उस कंट्री की, इसके आधार पे वहाँ पे लोग टूरिज्म को देखते हैं। तो आपको इंडिकेटर तो याद हो या नहीं हो, बट ये पता होना चाहिए कि इंडेक्स जारी कौन करता है और इंडिया के हालात क्या हैं। तो ये थी आज की हमारी डिस्कशन, तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।